हाँ जी, सभी को राम राम। तो स्वागत है एक और वीडियो में दीपक ब्लॉग टीवी पर, एक नए ब्लॉग के साथ, डेली ब्लॉग के साथ। हैं, सैटरडे ही ना? सच में सैटरडे को कैसे ट्रैफिक हो सकता है यहाँ? ये तो पॉसिबल नहीं है यार। तो दोस्तों, आज शनिवार है और शनिवार को पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे ट्रैफिक मिल रहा है। हो सकता है कोई रीज़न हो, ऊपर जाके पता चलेगा फ्लाईओवर के। भाई मैं तो भागा भागा आ रहा था, मगर आज ट्रैफिक मिलेगा नहीं, साए साए जाएंगे एकदम। तो देख रहे हो ट्रैफिक लग रहा है इसकी वजह से, ये जो कपड़े बिक रहे हैं ना यहाँ पे, सिर्फ इसकी वजह से ट्रैफिक लग रहा है, वरना यहाँ ट्रैफिक कभी होता ही नहीं है। इंडिकेटर दे रहा है इधर जा रहा उधर, वाह क्या सीन है। देखो देखो देखो, कितनी छोटी सी गाड़ी है ना, एस कौन सी है, प्रेस्ड, एस प्रेस्ड। अच्छा, छोटी गाड़ी में अपनी फेवरेट गाड़ी बताऊं, छोटी गाड़ी में अपनी सबसे फेवरेट गाड़ी वो है टियागो, ठीक है। इतनी सी छोटी सी गाड़ी है और तगड़ी लगती है मुझे, टाटा वाली टियागो जो है वो टियागो। भाई बाइक पे बैठती जो जान आ जाती है ना बॉडी के अंदर, सारी थकान उतर जाती है सारी की सारी, ठीक है। कोई विचार नहीं रहता भाई, ये एक्चुअली जो मेरी फीलिंग है ना, जो एक्चुअल में जो चल रही है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। सच में ऐसा हमेशा होता है, मैं कितनी भी टेंशन में हूँ, मैं कितना भी कुछ भी थिंक कर रहा हूँ, ठीक है, पर बाइक पे बैठने के बाद और बाइक चल रही होती है, वाकई में सब कुछ मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। और मे भी सबके साथ ऐसा होता होगा जो बाइक लवर्स हैं, और जो सिर्फ बाइक इसलिए चलाते हैं कि उसको घर से ड्यूटी जाना है या ड्यूटी से कहीं और जाना है या एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, सिर्फ इतना ही मतलब है बाइक से, उसको मैं भी ना हो। अपन को तो है, ओ भाई ये क्या है, ये है ओल्ड वाली थार, और इसके टायर देखो, वाकई में एकदम थोड़ी सी अजीब भी दिख रही है। है ना, कि ऐसा लग रहा है किसी चीज के ऊपर कुछ रख के जा रहा है। एक बार फिर दिखाऊंगा, ठीक है यार। दिक्कत पता है क्या, दिक्कत ये है, मैं नहीं चाहता किसी का कुछ गड़बड़ हो जाए, लाइक चलान वगैरह ये सब। पता नहीं कौन सी वीडियो कब कहाँ उठ जाए और ऐसे चलान भी कटते हैं या नहीं कटते हैं, बस मैं वो सेफ्टी भी देख रहा हूँ उसकी, क्योंकि इतने टायर बाहर निकले पर चलान है भाई, है ना। तो मैं नहीं चाहता किसी भी भाई के शौक के ऊपर चलान कट जाए। बेशक चीज़ गलत हो सकती है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है, बट शौक है यार उसका, तो उसको फॉलो कर रहा है मैं, और कानूनी ये हो सकता है, क्योंकि वो इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि टायर ना बहुत ज़्यादा भार होते हैं, और वो वैसे बंदे की सेफ्टी के लिए ही रूल है कि अगर टायर ज़्यादा भार है तो चलान है उसका बाइक का। जैसे कि जब हम गाड़ी में बैठते हैं ना, तो हमारा ये कम्फर्ट जोन होता है, हमें पता है कि गाड़ी कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी साइड से निकली हुई है, और टायर पहले कितने, मुझे लगा 5-6 इंच बाहर निकले हुए हैं, तो फिर जितना अंदाज़ा उससे अलग अंदाज़ा रखना पड़ेगा, वो वाला सिस्टम है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, चलान दो, मैं दोबारा वीडियो बना नहीं रहा हूँ उसकी। ओए होए, अच्छा थोड़ा सा लॉजिक मुझे समझ नहीं आता, बैग आगे टांगने वाला बंदे ने देखो गियर्स पहने हुए हैं, आई लाइक इट, प्रॉपर तरीके से बाइक चला रहा है भाई, है ना, सेफ्टी गियर्स पे पूरे पहने हुए, पर आगे जो बैग लटकाया हुआ है वो मजा खराब कर रहा है, क्यों, मतलब उससे हवा रुक रही है इसलिए शायद से। ज़्यादातर ऐसा होता है, नॉर्मल है, अगर यही पहने होता तो मैं कह देता, हो सकता है हवा घुस रही हो अंदर से, मैं गर्मियों में भी देखता हूँ ऐसे ही,
क्या यार, मैं डेली वीडियो बना के लोगों को जज करने लगा हूँ क्या? ऐसा नहीं है भाई, मैं क्यों जज करूँगा यार, सब बढ़िया कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो दोस्तों अपन आ गए हैं जिंदल, चलिए रे लाला जल्दी आगे को हटाई सा गाड़ी को जल्दी फटाफट करके। अरे तेरी कैसे चला दिया, लो जी जिंदल आ गया है। तो वीडियो करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए राम राम जी। खाते रहो पीते रहो, मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो और अपनों का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए राम राम, टेक केयर, गुड नाइट। बस यहाँ से बैंडेड लेनी है तो तेरी कहाँ जा रही है भैया, बैंडेज दे दियो। वैसे कुछ खाऊं तो उल्टी सी आने, ये तो यूएसी की तरह है। पांच दे दो। क्या दूं भैया? बैंडेज। कौन सी वाटरप्रूफ है वैसे? जो छूटा है ना दूसरी वाली दो, जो पुरानी वाली आ गई हो कपड़े जैसी। कितने हो गए? दस रुपए हो गए। देखो लाया तो था, समान निकला उसमें। एक मिनट होगा, कैसे हो गया?